तो जी फ्रेंड फिज़ा ने अपनी नंग को सब तो सब कुछ सच सच बता दिया है कि मेरे जो नंबर डायल किया था वो असल में मेरे को लेकर नहीं है। वो नंबर तो दुआ का था जो मेरी बहन घर से भाग गई थी, ये नंबर उसका है। बहरहाल आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, घर में सबके सामने आप डाल बन गई तो मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। अगर तुम मेरे डाल ना बनती तो हो सकता है यही घर वाले सब लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर सकते थे, मगर मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, अच्छे हाल में। बेशक मेरे माँ बाप ने उसको बदकरदार का मतलब कह के उसे घर से निकाल दिया, मगर मुझे इस बात की अब तसल्ली है कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। वो जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, बिल्कुल सेहतयाब है, तंदुरुस्त है, और उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी और इतने ज़्यादा लोग उसके साथ उसकी हिफाजत के लिए थे, तो मेरी तसल्ली हो गई। तो यही सारी बातें फिजा जो है अपने घर में जाके अपने माँ बाप बाप को तो नहीं बहन भाइयों को बताती है कि मुझे फिज़ा मिली थी, मैं रस्ते में थी तो वो मुझे मिली थी, इतनी ट्रैफिक में वो बाजे मेरे पास आई, उसके पास तो इतना ज़्यादा पैसा आ गया फिर भी वो नहीं बचती, उसका हो गया चेंज हो चुका, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। उसने मुझे देखा और दौड़ी हुई मेरे पास आई, मुझे मिली, मुझसे अपना नंबर शेयर किया। बहरहाल ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा गार्ड उसकी हिफाजत के लिए हैं तो मुझे उम्मीद है कि उसका घर भी बहुत बड़ा होगा और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गई होगी। तो बहरहाल साथ में वो ये भी कहते हैं कि अब उसका नाम इस घर में मत लो, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि फिज़ा तुम्हारी जहाँ पे शादी हुई है ना, वो लोग भी इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं दुआ से, तो लिहाजा तुम वहाँ नाम लेना मत सोचो, उससे मिलने के बारे में भी मत सोचो। जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, बस हमें तसल्ली होगी कि हमारी फिज़ा बिल्कुल ठीक है, सेहतयाब है, तंदुरुस्त है, तो अब आप उसकी जान छोड़ो और अपनी फिकर करो। तो ड्रामे का नाम है जानसार, हर पल जियो के ऊपर ऑन एयर है, 30 इसका एपिसोड है। तो छोटे छोटे मैं रिव्यूज़ अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आता हूँ, तो मुझे उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स को ये छोटे छोटे रिव्यूज़ अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप लोगों ने फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, बेल आइकॉन को ऑन कर लेना है, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।